हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज देने वाला हूँ BGMI से रिलेटेड, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे होंगे। एंड अभी तक तो हिंट मिल रहे थे, बट अब ऑफिशियल हिंट मिलने लग गए हैं, वो भी प्रूफ के साथ, जो कि हिंट मैं आपको दिखाऊंगा। काफी सारे हिंट आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज BGMI से रिलेटेड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप भी BGMI का वेट कर रहे हो। एंड वीडियो में आगे से पहले आप सभी को हैप्पी होली। हालांकि होली निकल चुकी है, बट आप में से किस किसने धूमधाम से होली मनाई मेरे को कमेंट करके बताना। मेरी होली तो आपने देख ही ली होगी, मैंने व्लॉग डाला था। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, मैं होली का एक स्पेशल व्लॉग डालूंगा, तो जाके अगर आपने अभी तक नहीं देखा जरूर देखना। भाई साहब मेरी शक्ल देखो, ये मैं हूं, सच में मैं हूं ये मैं। ओ भाई क्या जोकर बना हुआ था मैं, बट ठीक है, मजा आया, काफी मजा आया। मैंने इसका एक फुल व्लॉग डाला, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आपको हिंट दिखाता हूं BGMI अनबैन से रिलेटेड, जो हिंट मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पिछले 10-15 दिन से काफी सारे हिंट मिल रहे हैं कि जल्दी ही BGMI अनबैन हो सकती है इंडिया के अंदर। आपको पता होगा BGMI बैन क्यों हुई थी, आप सबको पता होगा, 90% बंदों को कंफर्म होगा डाटा सिक्योरिटी की वजह से बैन हुई थी। अब जो डाटा सिक्योरिटी की वजह से BGMI बैन हुई थी, तो BGMI अपने सर्वर भी चेंज कर रही है, BGMI ने अपनी पूरी की पूरी टीम भी चेंज कर दी है। अब जो मैं आपको हिंट दिखाने वाला हूं, अभी तो मैं आपको जो सर्वर चेंज हुए दिखाऊंगा वो वेबसाइट के सर्वर चेंज हुए हैं, बट जल्दी ही इन गेम सर्वर भी चेंज हो जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले आपको मैं सर्वर छोड़ के पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले चलते हैं डिस्कॉर्ड पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, BGMI वाले ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं कर रहे जब से वो बैन हुए हैं, ना ही डिस्कॉर्ड पे कोई हलचल है, कोई भी मैसेज उन्होंने डिस्कॉर्ड पे नहीं किया जब से वो बैन हुए हैं, ना ही उन्होंने कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। बट परसों के दिन क्या हुआ, जिस दिन होली थी, मैं आपको डिस्कॉर्ड ऑन करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कॉर्ड ऑन कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। आपको जाना है सर्वर न्यूज पे। सर्वर न्यूज पे जाने के बाद आप देखोगे कल के दिन BGMI वालों ने 955 बंदों को अनबैन किया है, जिनको उन्होंने पहले बैन कर दिया था। ये एक गिफ्ट मान लो, होली का गिफ्ट, वेलकम बैक लिखा हुआ है। एंड ये एक मौका देना चाहते हैं उनको कि वो दोबारा से वो हरकतें ना करें जिनकी वजह से वो बैन हुए थे। एंड उसी के अलावा यहां पर जिनको इन्होंने म्यूट किया था, 2137 बंदों को, उनको इन्होंने अनम्यूट कर दिया, मतलब अब वो भी इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा एक बहुत बड़ा इन्होंने पहरा लिखा हुआ है, जो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। एंड उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने हैप्पी होली विश किया सबको। बहुत दिनों बाद ये चीज हमें देखने को मिली BGMI की तरफ से। एंड ये ऑफिशियल सर्वर है, आप भी जाके BGMI के जो ऑफिशियल सर्वर है उस पे जाके ये वाली पोस्ट देख सकते हो, इसको लाइक कर देते हैं। पहला हिंट तो ये हो गया कि BGMI की टीम दोबारा से एक्टिव हो गई है, ठीक है। अब दूसरे हिंट पे चलते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था BGMI वाले, क्राफ्टन वाले काफी सारे ई स्पोर्ट्स कंपनी को मेल कर रही है कि आप टूर्नामेंट वगैरह मत कराओ। तो सबसे पहले चलते हैं उस मेल पे, ये मेल की गई थी क्राफ्टन की तरफ से, आप पढ़ सकते हो, esports.in@craftan.com। तो ये जो मेल है काफी सारे ई स्पोर्ट्स कंपनी को की गई थी जो टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों से काफी ज्यादा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए थे, हिंट मिलने लग गए थे। आप सबने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी बंदों ने BGMI छोड़ दी थी, जो अलग गेम्स खेल रहे थे, वो दोबारा से BGMI को लाइव खेल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट हो चुकी है BGMI की। जिन्होंने छोड़ दी थी गेम, जो अलग अलग गेम्स खेल रहे थे, वो दोबारा से BGMI खेल रहे थे। एंड उसी के अलावा कितने सारे टूर्नामेंट हो रहे थे। एंड उसी के अलावा जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वो अपनी अपनी टीम लेके ग्राइंड करना स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि उनको पता हो कि थोड़े दिन में ऑफिशियल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस चीज पे क्राफ्टन ने उनको मेल भेजा है कि आप टूर्नामेंट वगैरह मत करवाओ जब तक उनको क्राफ्टन से अप्रूवल या फिर परमिशन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये मेल तो इन्होंने BGMI के लिए भेजा था, बट कल के दिन क्या हुआ है, क्राफ्टन वालों ने फिर से मेल भेजा है। अब भेजा है इन्होंने न्यू स्टेट वालों को कि वो भी टूर्नामेंट वगैरह मत करवाएं, अभी के लिए होल्ड कर दें। तो अब क्राफ्टन वाले ये क्यों कर रहे हैं, हाइप बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर क्या सीन है, नो आइडिया। बट ये मेल वगैरह सेंड कर रहे थे, वो भी ठीक है, ये भी चीजें हो
रही थी तो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं अगले हिंट पे। अब यहां पर आप क्राफ्टन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने वहां का सर्वर जो था वो चेंज कर दिया है। सर्वर इन्होंने अमेज़न के साथ अपना मतलब पार्टनरशिप की है या फिर अमेज़न के सर्वर खरीदे हैं, क्योंकि हम भी खरीद सकते हैं नॉर्मली अगर हम वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमें सर्वर की जरूरत होती है, तो काफी सारी कंपनीज हैं जो सर्वर देती हैं। तो पहले जो BGMI का सर्वर था वो किसी और कंपनी के अंडर था, बट अभी इन्होंने अमेज़न का सर्वर यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये हमें कैसे पता चला वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये कोडिंग वगैरह तो आपको समझ में नहीं आएगी, बट मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे सर्च कर सकते हो। और जो सर्वर है वो तो अमेज़न टेक्नोलॉजीज का है ही, ठीक है। बट आप देखोगे कंट्री रीजन देखोगे तो सिंगापुर आ रहा है यहां पर। अभी जितना भी वेबसाइट का डाटा है एंड जो सर्वर है वो सिंगापुर से ही ऑपरेट किया जा रहा है। जो लोकेशन है सर्वर की वो सिंगापुर की आ रही है। बाकी IP डिटेल वगैरह आपके सामने है, अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको भी सर्च कर सकते हो। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूं, थोड़े दिन पहले ही BGMI की जो वेबसाइट है वो एक्सपायर कर गई थी, इसे दोबारा से रिन्यू किया गया है। आप अगर ये चीज सर्च करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको BGMI की जो वेबसाइट है उसका लिंक कॉपी करना है, जो कि है www.battlegroundsmobileindia.com, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, इसको कॉपी करना है। ये वेबसाइट आपको पता है ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहां पर आपको काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो भी दिख जाएगी जो कि पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, एंड काफी सारे बड़े बड़े चैनल भी यहां पर आपको दिख जाएंगे अगर आप सर्च करोगे। अब इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां पर जाके आप उसका जो IP है या फिर डोमेन है सब कुछ चेक कर सकते हो, एंड वो कब रिन्यू हुई है, कब एक्सपायर हुई थी, कब उसको क्रिएट किया गया था, सब पता चल जाएगा। तो यहां पर जाके मैं वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देता हूं, ये आप भी जाके ट्राई कर सकते हो। ये मैं अपने मन से नहीं कुछ बोल रहा, ठीक है ना। काफी सारे बंदे कमेंट करने आ जाते हैं, भाई साहब तुम तो डेली न्यूज डाल देते हो। भाई तुम मेरा चैनल खोल के देखो पहले, डेली कब मैंने न्यूज डाली भाई, देखो। रुको अभी दिखाता हूं। पहले मैं 20 घंटे पहले मैंने होली की वीडियो डाली है, ठीक है। 5 दिन पहले मैंने डाली थी हाउ टू ट्रांसफर डाटा, जो स्कैम चल रहा था उसके ऊपर वीडियो, अनबैन की कोई भी न्यूज नहीं है इसमें। उसके बाद BGMI न्यू अपडेट आया था क्या कल, तो उसके ऊपर मैंने न्यूज दी थी। यहां भी मैंने अनबैन वर्ड यूज ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक व्लॉग बनाया था, उससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, स्कैम हो गया। उससे पहले मैंने हाउ टू फिक्स BGMI सर्वर प्रॉब्लम पे वीडियो बनाई थी। उससे पहले 3 वीक पहले एक्सीडेंट वाला व्लॉग बनाया था। उससे पहले BGMI के अंदर एक न्यू इवेंट आया था उस पर वीडियो बनाई थी। उससे पहले मैंने जम्मू एंड कश्मीर का व्लॉग डाला था, एंड उससे पहले मैंने स्टेटमेंट दिखाई थी BGMI क्राफ्टन की जो अर्निंग थी उसकी। उससे पहले मैंने गेमिंग फोन की अनबॉक्सिंग की थी, एंड उससे पहले मैंने एक स्कैम चल रहा था हाउ टू बाय रॉयल पास, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो पिछले 1 महीने में मैंने एक आधी वीडियो में ही अनबैन का मतलब कुछ जिक्र किया होगा, बाकी तो मैंने व्लॉग्स डाले हैं। पिछले 1 महीने में मेरी वीडियो दिखाओ कब मैंने अनबैन के ऊपर वीडियो डाली है। कुछ भी बोलते हैं भाई बंदे, चलो छोड़ो उनको, इग्नोर करो, उनका काम है हेट करना, काम है जिनका वो तो हेट ही करेंगे ना। अब कैसे उनके भेजे में दिमाग डाला जाए, जिनके भेजे में भूसा भरा है उनको कैसे हम समझा सकते हैं, कुछ नहीं समझा सकते। अब चलते हैं यहां पर, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप यहां पर वेबसाइट पेस्ट कर दोगे तो यहां पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहां पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी BGMI की। अब ये जो डोमेन इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हो, ये रजिस्टर कब हुआ था 2021 में, एंड आप सबको पता होगा 2021 में ही BGMI लॉन्च हुई थी, जब PUBG बैन हुई थी तो उसके बाद 2021 में ही BGMI लॉन्च हुई थी। ये जो डोमेन है वो खरीदा गया था, एंड ये जो एक्सपायर हुआ था ये हुआ था 2023 में। अब 2023 में इसे अपडेट किया गया है, यहां पर आप देख सकते हो 2023 दूसरा महीना, मतलब पिछले महीने ही 19 तारीख को इसे अपडेट किया गया। इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि नॉर्मल चीज लग रही थी, बट अभी मैं आपको हिंट दिखा रहा हूं, जितने भी हिंट मिल रहे हैं। अब ये जो एक्सपायर होगा वो होगा 2024 में। अगर गेम 2023 में आने वाली ही नहीं है तो इन्होंने वेबसाइट का जो डोमेन है वो क्यों खरीदा, आप ये सोचोगे। तो देखो अगर ये नहीं खरीदते तो क्या होता है ना कि कोई और बंदा इसे खरीद लेता और बाद में इन्हें उनसे खरीदना पड़ता बहुत ही ज्यादा पैसों में, तो इस वजह से ये वाला जो डोमेन है इन्होंने परचेज किया। बाकी गेम आने वाली होगी तभी परचेज किया ना। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर सर्वर नेम आप देखोगे तो यहां पर AWS DNS लिखा है। AWS क्या होता है, AWS हम सर्च कर लेते क्या होता है। तो यहां पर मैंने AWS सर्च किया तो यहां पर आ गया Amazon Web Services। तो यहां पर जो डाटा है, जो सर्वर पे डाटा है, वो सारा अभी Amazon की कंपनी ही संभाल रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी काफी हिंट मिल रहे हैं कि गेम
जल्दी ही आ सकती है। अब कब आएगी ये कंफर्म किसी को भी नहीं पता। जो हिंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मार्च और अप्रैल के बीच में गेम आ सकती है, ये हिंट मिल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से इतने सारे हिंट मिल रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो क्यों नहीं डालता हूं, मैं चाहता हूं कि 2-4 हिंट 10 हिंट जब मिल जाए ना तो एक ही वीडियो में कवर कर लूं। बार बार डेली वीडियो डालने से अच्छा हफ्ते में एक न्यूज की वीडियो डालो, उसी में सब कुछ कवर कर लो। तो इस वजह से मैं कम वीडियोस डालता हूं, इस वजह से मैं हफ्ते में कोशिश करता हूं एक ही न्यूज की वीडियो डालूं, ताकि आप भी डेली वीडियो देख देख के बोर ना हो जाओ ना। तो होप रखो जल्दी आएगी गेम, मैंने भी होप रखी हुई है, मैं भी खेल रहा हूं डेली गेम, हल्की फुल्की खेल रहा हूं टाइम पास के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा हूं। एंड जिनके पेपर चल रहे हैं स्पेशली उनके लिए मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, पहले एग्जाम दे दो, पढ़ाई लिखाई कर लो, गेम वगैरह मत खेलो, ठीक है। जो तो फ्री बंदे हैं, जो तो जॉब वगैरह करते हैं, जिनको अपना माइंड फ्रेश करना होता है, वो थोड़ी सी गेम खेला करो। मैं भी डेली थोड़ी खेलता हूं, मतलब डेली खेलता हूं बट पागलों की तरह नहीं खेलता मैं होता है तो दिन में 1-2 घंटा खेलता हूं, एंड माइंड फ्रेश करने के लिए खेलता हूं, एंजॉयमेंट के लिए खेलता हूं, एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूं। पागलों की तरह गेम मत खेलो, मैं यही बोलना चाहूंगा। बाकी जल्दी ही गेम आएगी जो हिंट मिल रहे हैं उस हिसाब से, बाकी कब तक आएगी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब आएगी कंफर्म डेट पता चल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। एंड जितने हिंट मिल रहे थे उन सभी को देखने के बाद तो लग रहा है जल्दी ही गेम आएगी। एंड आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, एंड वेबसाइट की भी आपको फुल डिटेल जाननी है तो मैंने बता दिया कैसे जान सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो Amazon के साथ इन्होंने टाई अप किया है, क्या पता BGMI का जो डाटा है वो भी Amazon की कंपनी के अंदर ही ये सेव करने लग जाए, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी का मामला है ना, तो इस वजह से। बाकी वेबसाइट का तो इन्होंने चेंज कर दिया है, गेम का कब तक करेंगे नो आइडिया, बट जल्दी ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी मैं तो यही चाहता हूं जल्दी से जल्दी गेम वापिस आ जाए। बाकी अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो व्लॉग पे भी प्यार दिखाया करो यार, व्लॉग्स मैं कभी कभी डालता हूं, डेली नहीं डालता हूं, बट अगर आप उस पर भी सपोर्ट दिखाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी गेमिंग वीडियोस तो आती जाती रहेंगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।